हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। एक मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक अगर आप शॉर्ट्स वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए राहुल सर शॉर्ट्स के नाम से एक मेरा चैनल है, उसका लिंक भी। और कुछ न्यू कार्स के बारे फीचर्स के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं और गाड़ी के बारे में ज़्यादा डीपली जाके सीखना चाहते हैं तो एक और नीचे लिंक होगा कार एक्सपर्ट, कार नॉलेज एक्सपर्ट के उससे उसका लिंक है, उस पर जाके आप लोग विजिट करिएगा, वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, कॉल भी आती, मैसेजेस भी मेरे पास आते हैं कि सर मुझे लेफ्ट का जजमेंट नहीं हो पाता है, उसके लिए मैं क्या करूं? लेफ्ट साइड के जजमेंट के लिए कार के कौन से ऐसे पॉइंट पे मैं फोकस करूं जिससे मेरी गाड़ी का लेफ्ट साइड का जजमेंट क्लियर हो जाए? तो दोस्तों इसमें कार के लेफ्ट साइड के जजमेंट के तीन पॉइंट होते हैं, 1, 2, 3। इन तीन पॉइंट को अगर आपने समझ लिया तो कभी भी लेफ्ट साइड से आपकी कार नहीं टकराएगी। और ये कौन कौन से पॉइंट हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ हैं अभी खान साहब जो कार चला रहे हैं, क्या नाम है आपका? अंसारी है। ओके, और कहाँ से आते हैं आप ड्राइविंग सीखने? राजाजीपुरम। कौन सा डे है आज आपको ड्राइविंग करने का? यहाँ से लेफ्ट जाना है हमें, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का। कौन सा डे? छठा दिन है। नहीं, बीच में आपने जो एक एक घंटे की क्लास ली वो दो दिन काउंट होंगे। हाँ, तो जो जितने भी डेज हुए होंगे जिसमें डबल क्लास होगी तो उसमें सातवां दिन है। ओके, आज सातवां या आठवां है? आज सातवां। चलो अभी देख लेंगे डायरी में जो भी होगा, ठीक है? चलिए, तो हाँ जो भी होगा कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों आप आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं शंकर जी की ये मूर्ति, ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर से आप इसको मैच करो, इसको सेंटर से देखो और फ्लैग रॉड को मैच करो। जो ये फ्लैग रॉड लगा इस सेंटर से देखो क्या लग रहा है आपको, जो ये व्हाइट लाइन दिख रही है, टायर आपका लेफ्ट वाला लाइन के अंदर है या बाहर है? बाहर था? नहीं, अंदर। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? आप मजाक चल रहा है क्या? हद हो गई है, थोड़ी हंसी आ गई। हंसी बात नहीं, ड्राइविंग सीख रहे हो या मतलब यहाँ पे मस्ती करने आ रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि तो आप उस पे फोकस नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं, फोकस कर रहे हैं, अंदर था। ये क्या तरीका होता है? अभी फोकस करो, लेफ्ट वाला टायर जो है वो कहाँ पे है? अंदर है ना। आप लेफ्ट लेफ्ट फ्लैग रॉड को देखो, ठीक है? अभी गाड़ी को आगे रोकना है, मैं जब बताऊंगा, चलते रहो धीरे धीरे, और अपने लेफ्ट वाले मिरर को चेक करो और लेफ्ट वाले फ्लैग रॉड को चेक करो, ठीक? अब ये जो सेंटर में जो ये मूर्ति है, इस मूर्ति से और सामने देखो क्या दिख रहा है आपको? सामने जो सामने इससे इस सेंटर से सेंटर पॉइंट जो है, इस सेंटर पॉइंट से देखो बीच वाला पॉइंट जो, तो क्या लग रहा है आपका? ये जो कोना है ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। यहाँ से जो फ्लैग रॉड लगा, फ्लैग रॉड से और मूर्ति से ड्राइविंग सीट से जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो ये सेंटर है, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये किधर भाग रहा है? बाएं साइड, लेफ्ट साइड। तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी आपको इस सेंटर से आप मैच कर सकते हो फ्लैग रॉड से, लेकिन जब आप फ्लैग रॉड को देखोगे तब क्या लग रहा है आपको? सीधा फर्स्ट पॉइंट होता है ये सेंटर, ठीक है? अभी जैसे गाड़ी आप अभी रोकना, आगे मैं बताऊंगा, लेफ्ट का सिग्नल दो ताकि पीछे वाले लोगों को कंफर्म हो जाए, ठीक है? अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे रख लो, हाँ अभी लेफ्ट आओ थोड़ा सा और लेफ्ट आओ, हाँ अभी सीधी रखना, जब मैं बोल लूंगा गाड़ी तो रोकना है, जाने दो धीरे धीरे, हाँ और हल्का लेफ्ट आओ, बस बस राइट रखो हल्का, अभी यहाँ रोको पूरा क्लच धीरे से, ब्रेक स्टॉप करो, गाड़ी को रोक दो, पूरा क्लच दबाया आपने, इसको न्यूट्रल कर दो, कर दिया। अब जरा इस फ्लैग रॉड को देखो और सामने जो वॉक्सवैगन खड़ी है उसको देखो, क्या लग रहा है आपको? ये पहले ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आप उस गाड़ी को देखो, ये मेरा हाथ देख रहे हैं, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से और उसको देखो गाड़ी को, क्या लग रहा है आपको? लेफ्ट साइड की तरफ, बिल्कुल लेफ्ट साइड। अभी जो गाड़ी का आपका जो कंडीशन है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि गाड़ी आपकी टकरा जाएगी, ऐसा लग रहा है? और जब आप फ्लैग रॉड को देखो, अब उसको देखो, अब क्या लग रहा है? अब आप इस ये जो पिलर ए है आपका, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप इस मूर्ति से सेंटर से आप ये जजमेंट कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का जो बोनेट है वो कहाँ है। ड्राइविंग सीट की मैं बात कर रहा हूँ, ड्राइविंग सीट से इसको जज करना है आपको, मेरी साइड से नहीं, जहाँ पे आप बैठे हो वहां से। अब ये चीज ऐसे जाती है ऐसे करके, ठीक है? ये हो गया सेंटर आपका। उसके बाद आप लेफ्ट वाले पिलर ए, ये जो ए पिलर है, इससे आप जजमेंट, अब इस पिलर से देखो तो क्या लग रहा है आपको? जैसे कि यहां से देखोगे तो ऐसा ये
लग रहा है कि गाड़ी मेरी उसके एकदम जस्ट पीछे, लेकिन यहां से अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी मेरी एकदम साइड में है, जो मेरा लेफ्ट वाला टायर है। अगर आप सीधा सीधा अभी जाओगे तो आपको क्या लगेगा, गाड़ी आपकी टकराएगी नहीं टकराएगी, टकरा जाएगी। तो पहला पॉइंट ये है, सेंटर से आप इसको जजमेंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपका ये है, ठीक है, लेफ्ट वाला जो पिलर है, जरूरी नहीं हर गाड़ी में फ्लैग रॉड, और आप इससे बेटर कॉन्फिडेंस आते हैं। थर्ड पॉइंट जो आपका फ्लैग रॉड लगाए, जो अब आप गाड़ी को पहले गियर में डाल के धीरे धीरे बढ़ाइए, मैं बताता हूं, धीरे धीरे बढ़ाना है, ब्रेक को रिलीज करो धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, चलानी नहीं बस धीरे धीरे जाना है, हाँ, और जाओ धीरे धीरे, अभी स्टॉप करो। झटके से ब्रेक क्यों लगाया आपने, थोड़ा सा नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप, नहीं जाना है आपको सऊदी, समझ रहे हो, वहां का कानून बहुत सख्त होता है। अब ये नोटिस करो, अब इस फ्लैग रॉड को देखो और इस गाड़ी को देखो, क्या लग रहा है आपको, गाड़ी अभी आप सीधा सीधा लेके जाओगे तो टकराएगी नहीं टकराएगी। अब आप यहां से नोटिस करो, जो ये आपका ये है, इस पॉइंट से देखो, ये जो पॉइंट है यहां से देखो, यहां से अब आपको क्या लग रहा है, तो अगर आप यहाँ से देख रहे हो सेंटर पॉइंट से, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका फ्लैग रॉड जो है वो निकल जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ से अभी आप देख रहे हो, ये देखो, ये अगर आप यहाँ से आप देखोगे तो क्या लग रहा है आपको, आपका जो लेफ्ट वाला फ्लैग रॉड है वो जाके उसकी बैक साइड लाइट में टकरा जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले तो आपको गाड़ी को राइट दबाना है, दबाओ पहले स्टीयरिंग राइट, दबाओ स्टीयरिंग को राइट, घुमाओ सिग्नल तो दो राइट का, और घुमाओ और एक राउंड हो गया ये, ठीक है, अब स्टीयरिंग सही से पकड़ो, अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, और यहां पे नोटिस करना है जो फ्लैग रॉड लगा, इसको नोटिस करना है कि कंडीशन क्या है, बहुत, अब सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी करो, अब ज्यादा स्पेस ले लिया आपने, बहुत ज्यादा स्पेस ले लिया था, लेफ्ट साइड में इतना स्पेस नहीं लेना चाहिए जितना आपने ले लिया। चलो कोई नहीं, अभी एक काम करना है, आगे गाड़ी बढ़ाओ, मैं एक सेकंड पॉइंट और आपको बताता हूं कि कैसे आपको लेफ्ट साइड में ये जज करना है कि मेरी गाड़ी के लेफ्ट में कितना स्पेस बचा है। हाँ अभी जाओ बढ़ा के चलो थोड़ा सा स्पीड, जाने दो रेस करो, अभी यहीं से आगे से यू टर्न मारना है, जो टेम्पो खड़ा है इस टेम्पो पे लाके अभी आपको मैं इसके लिए थोड़ा सा जजमेंट करके बताऊंगा कि कैसे आपको लेफ्ट का अंदाजा आएगा, कैसे आप इस चीज को ध्यान देंगे। लेफ्ट में रोको और यहीं से गाड़ी को अभी थोड़ा और आगे जाओ, थोड़ा हाँ थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ताकि आगे से आप इसको वापस यू टर्न करके लेके आ जाओ। लेफ्ट वाले फ्लैग रॉड को अगर आप बार बार देखते हैं, ब्रेक क्यों लोगे, यू टर्न करना, इसको पहले गियर में करो, क्लच दबा के पहला गियर करो, और अभी लेफ्ट रन लेके हो गाड़ी, और लेफ्ट, राइट का सिग्नल दो नीचे को, हाँ अभी और लेफ्ट आओ, लेफ्ट आओ, अब घुमा दो पूरी राइट, पूरी फुल घुमा दो जल्दी जल्दी, क्लच ब्रेक दोनों छोड़ो, छोड़ो घूम गई पूरी, अभी इसको सीधी करो स्टीयरिंग को फटाफट, हो गई सीधी, अब आपको अभी सीधा चलना, मैं बताऊंगा क्या करना है, लेफ्ट ही रखो, ये व्हाइट लाइन के बाहर नहीं जाना है, चलो थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, राइट वाला टायर आपका अभी व्हाइट लाइन पे चल रहा है, राइट वाला टायर व्हाइट लाइन पे चल रहा है, वो चीज आपको साइड मिरर से बहुत अच्छे से समझ में आएगी, उसको अगर ध्यान दोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा कि राइट वाला साइड मिरर जो है। अब यहां पे अभी गाड़ी आपको धीरे से रोकना है, थोड़ा और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट आओ, बस अब रोको पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक स्टॉप। मौलाना साहब आपकी स्टीयरिंग सीधी है, अब ये देखो यहाँ पे इस, ये आपको साइड मिरर दिख रहा है, अब इसमें ये देखो कि आपको क्या लग रहा है, कितना स्पेस है आपकी गाड़ी के बैक साइड वाले हिस्से से और जो साइड में वो जीना है, जीना जीने से, और आपका क्या सिचुएशन है, क्या लग रहा है आपको, काफी स्पेस है, तो क्या ये चीज आपको यहाँ से समझ में आएगी, फ्रंट से यहाँ से समझ में आएगी, नहीं यहाँ से नहीं, ये साइड मिरर से आएगी, ठीक है साइड मिरर से आएगी। अब आप एक काम करो, गाड़ी को आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, हाँ जाओ सीधा सीधा बढ़ाना है, लेफ्ट साइड के जजमेंट के लिए आपको फ्लैग रॉड और अपने लेफ्ट वाले मिरर और अपना लेफ्ट साइड का जो ये पिलर है, इन तीन बातों को ध्यान देना, और अगर आप ड्राइविंग सीट से बैठ के उस चीज को देखना चाह रहे हैं तो आपको ये सेंटर लेना। अभी और लेफ्ट आओ, हल्का लेफ्ट आओ, और लेफ्ट, अब सीधी रखो गाड़ी, अब पूरा क्लच दबाओ, धीरे से ब्रेक स्टॉप,
आप ब्रेक सही नहीं लगा पाते हैं। हल्का लगा थोड़ा, झटका नहीं आना चाहिए। आज आपको 7-8 दिन गाड़ी सीखते हो गए हैं, अभी ब्रेक ही लगाना अगर नहीं आएगा तो फिर बाकी बात कैसे बनेगी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये टेम्पो मेरे लेफ्ट में खड़ा हुआ है, इस टेम्पो से और जो ये मेरी गाड़ी का साइड मिरर है लेफ्ट साइड वाला, लगभग आप करीब 1.5 फीट का ये डिस्टेंस है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे अगर इस चीज को लेफ्ट वाले साइड मिरर में, तो एक्चुअल आपको पता चलेगा कि गाड़ी के बैक साइड जो मेरी गाड़ी खड़ी हुई एकदम सीधी सीधी खड़ी है। अगर आप फ्लैग रॉड को देखेंगे, फ्लैग रॉड से और साइड जो इसका है, इसका बोनेट है जो टेम्पो का, उससे आपको अंदाजा मिल रहा होगा। अगर आप इस पॉइंट से लेते हैं, यहां से ये सेंटर पॉइंट से लेते हैं, तो ये देखिए यहां से भी आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है ना कि गाड़ी का जो बोनेट है, बोनेट के ऊपर लगा फ्लैग रॉड है, उससे आपको लेफ्ट का जजमेंट। अब सेकंड पॉइंट जो है, आप यहां से आप देख सकते हैं इस पिलर ए से ये चीज। अब ये जो साइड मिरर आपका, इस साइड मिरर से और ये बीच का डिस्टेंस आप देख रहे हैं, जितना स्पेस यहाँ पे है आगे फ्रंट में, उतना स्पेस यहाँ पे है। अब मैं ये चीज आपको डीपली उतर के बताऊंगा कि कैसे कार को साइड का जजमेंट लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये लेफ्ट साइड का जो एरिया है, मेरी गाड़ी एकदम सेंटर में खड़ी है और जो मेरे बगल में टेम्पो खड़ा है, टेम्पो से और जो गाड़ी का अगला टायर, इनका ये वाला टायर जो है, ये टायर और ये टायर, अब इसको अगर आप देखेंगे दोनों चीज बराबर, यहाँ पे देखिए ये लगभग 1 और ये की 2 बीत का लगभग 1 फीट का लगभग मार्जिन है। और यही चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये चीज, तो यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा, ये 1 और ये 1 लगभग 2 बराबर सेंटर है इसका। तो ये जजमेंट जो आपको है ना, ये लेफ्ट साइड वाले साइड मिरर से बहुत क्लियर समझ में आ जाता है। इसके लिए आपको लेफ्ट वाले साइड मिरर को और लगे फ्लैग रॉड को, और ये चीज जो है ना, जैसे गाड़ी अभी इनकी आधी बाहर निकलने के बाद फ्लैग रॉड का जो है वो यहाँ से आप जजमेंट मिलेगा, लेकिन गाड़ी के जो बैक साइड का हिस्सा है आधी गाड़ी निकलने के बाद, अगर छोटी गाड़ी आप चला रहे हो मारुति वगैरह की, सेंट्रो ऑल्टो स्विफ्ट, तो आपकी गाड़ी का इतना हिस्सा, ये जो गाड़ी का इतना हिस्सा है, इतना निकलने के बाद उसके बाद गाड़ी को लेफ्ट आप दबा सकते हो। अगर आप चला रहे हो होंडा सिटी या वरना वगैरह इस तरीके से, तो गाड़ी का लगभग इतना एरिया आपका जाना चाहिए बाहर, इतना हिस्सा निकलने के बाद उसके बाद आप गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हो, उसके बाद लेफ्ट राइट ले जा। कुछ लोग क्या करते हैं, आधी गाड़ी इतनी निकलती है होंडा सिटी वगैरह और गाड़ी तुरंत लेफ्ट दबा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि गाड़ी में एक्सीडेंट होता है। अभी गाड़ी आप थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, सीधा जाना है, स्टॉप। अब आप देख रहे हैं जैसे कि गाड़ी लगभग जो मेरी गाड़ी है इस टेम्पो से लगभग करीब 2 से 2.5 मीटर के आसपास क्रॉस कर चुकी है, और अब ये गाड़ी आप लेफ्ट दबा सकते हैं। अगर आप इससे पहले अगर इसको आप लेफ्ट दबाते तो आपका जो बैक साइड वाला एरिया है, ये वाला पॉइंट जो होता है, ये हिस्सा, ये टकरा सकता है। अगर गाड़ी होंडा सिटी है या वरना है, तो उसकी लंबाई करीब होती है 15 फीट के आसपास, इस गाड़ी की जो लंबाई है वो 12 से 13 फीट है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लेफ्ट साइड के जजमेंट को फॉलो कर सकते हैं। कार में जो लेफ्ट साइड का जजमेंट होता है, उसके लिए 3 पॉइंट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी कार के जजमेंट को फॉलो कर सकते हैं। एक टिप्स और है जो मैं आपको बताता हूं, अभी आप इसको फर्स्ट गियर में करके आगे बढ़ाइए। थोड़ी सी फुर्ती रखिए अपने अंदर, थोड़ी सी फुर्ती रखिए। हाँ, अभी ये लेफ्ट में व्हाइट लाइन दिख रही है आपको, अभी ये टायर को व्हाइट लाइन पे खड़ी करना है। और लेफ्ट आओ, जाने दो धीरे से, चलो और लेफ्ट आओ, मैं बताऊंगा अभी, थोड़ा आगे बढ़ाओ। ये गेट है। हाँ, अभी यहीं पे रोकना है, और थोड़ा आगे जाओ। हाँ, जाने दो धीरे, और लेफ्ट आओ, लेफ्ट आओ। अब सीधी रखो, हाँ बस, ये व्हाइट लाइन पे आपका लेफ्ट वाला टायर चलना चाहिए। अभी पूरा क्लच और ब्रेक, स्टॉप। बस आप ब्रेक सही नहीं लगा पाते हैं, आपका कभी भी ब्रेक नहीं ढंग से लगता है। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अगली बार से टोकेंगे नहीं आपको। अब इसको न्यूट्रल कर दो, हैंड ब्रेक डाल दो। दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये लेफ्ट वाला टायर है, ये देख रही है एकदम व्हाइट लाइन, जो व्हाइट लाइन है ये हिस्सा आप अगर देखेंगे तो ये व्हाइट लाइन है, तो व्हाइट लाइन पे ये प्रॉपर तरीके से ये टायर है। और ये चीज़ अगर आप यहाँ से देखेंगे, जो व्हाइट लाइन है ये आपको यहाँ से भी नज़र आती है, साइड से भी समझ में आता है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो व्हाइट लाइन दिखती है, ये देखेंगे अगर तो यहाँ पे देखो व्हाइट लाइन नज़र आ रही है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड के जजमेंट के लिए आप व्हाइट लाइन को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नोटिस करना है तो इसके लिए आपको लेफ्ट वाले गाड़ी पे लगे हुए जो ये फ्लैग रॉड है,
इस फ्लैग रॉड को बहुत आसानी से, इससे आप जजमेंट। अभी मेरी गाड़ी का जो लास्ट मोमेंट है वो ये है, ये फ्लैग रॉड यहाँ पे, और ये आप देख रहे हैं दोस्तों जो ये फ्लैग रॉड लगा है ये यहाँ पे लगा है इस पॉइंट पे, और यहाँ से गाड़ी कितनी आगे है, एक, और ये दो, एक फिट पूरी पूरी गाड़ी बाहर निकली, ये फ्लैग रॉड है। अब गाड़ी के जजमेंट के लिए अगर अंदर से बैठ के हम कार का जजमेंट लेते तो फ्लैग रॉड देख लो कहाँ पे लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ से गाड़ी हमारी इतनी आगे निकली, ये इतनी, और ये जो लेफ्ट वाला एरिया अगर आप देखते हो वहाँ से तो ये फ्लैग रॉड यहाँ है और कार हमारी ये यहाँ तक है, इतनी तो गाड़ी है, तो इतना मार्जिन लेना तो लगभग मेरे हिसाब से ये देख रहे 6 इंच बाहर गाड़ी की बॉडी निकली है, क्योंकि इसके हिसाब से अगर आप इसको लेते हो तो ये देखो ये साइड मिरर भी अगर टकरा गया तो इसका मतलब गाड़ी आपकी टकरा गई। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी, जो फ्लैग रॉड लगा है फ्लैग रॉड से गाड़ी आपकी इतनी बाहर निकली है, देख रहे हैं ये इतनी गाड़ी का हिस्सा बाहर निकला हुआ है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।